हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के अंदर पॉइजन्स रेशियो को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो अपना एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में रह गया है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अपन लोग देखेंगे। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको अपन देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे जनरेट होगी और उसका अमाउंट क्या होगा। देखो, कोई भी एक जो बॉडी है जिसमें अपन डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से पहले तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं था। उसके सारे जो एटम थे वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में थे। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे थे, मतलब उसमें नेट फोर्स क्या था? जीरो था। तो नेट फोर्स जीरो था, उसको अपन ने कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं किया था, तो उसकी स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी? जीरो। अगर मान लो मैं डीफॉर्म कर दूं उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो डीफॉर्म करूंगा तो क्या होगा कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने प्लेस से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब उसका कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज होगा तो वो अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को वापस रीगेन करना चाहेगा। ठीक है, मतलब अपन ने क्या कर दिया? डीफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, उससे उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो चेंज इन पोजीशन हो गई तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अमाउंट में कितनी होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अपन उसको बोलेंगे, उसका अमाउंट मुझे फाइंड करना है। अब मुझे पता है कि जो एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू द वर्क डन। तो जो आपने उस पर वर्क किया, ठीक है, उसी के इक्वल पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर जनरेट होगी। तो आपको ये फाइंड करना है कि आपने वर्क कितना किया। ठीक है, तो लेट इनिशियली जो फोर्स था ना वो कितना था? इनिशियली जो उस पर डीफॉर्मिंग फोर्स था वो कितना था? जीरो था। ठीक है, फाइनली आपने लेट कितना फोर्स लगा दिया उस पर? लेट एफ फोर्स लगा दिया। एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा ऑन द बॉडी? क्या हो जाएगा? जीरो प्लस एफ बाई टू। ऐसे तो निकालेंगे एवरेज, तो क्या हो जाएगा भाई? एफ बाई टू। दिस विल बी द एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी और दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी अपन ने एवरेज फोर्स लगा दिया और लेट अपन अभी बात कर रहे हैं किसकी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की और स्ट्रेन की, मतलब लेंथ में चेंज आया है। लेट उसकी लेंथ में जो चेंज है वो स्मॉल एल आया। कितना चेंज आया? चेंज इन लेंथ। लेट कितना है? स्मॉल एल है। सो वर्क डन कितना हो जाएगा? डब्ल्यू फोर्स इन जो डिस्प्लेसमेंट, सीधा सीधा है ना। फोर्स कितना लगा? हाफ इंटू एफ और इंटू लेंथ में चेंज कितना आया? एल। अब यही वर्क डन जो है यही स्टोर होगा। किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो द पोटेंशियल एनर्जी दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू क्या हो गया? हाफ इंटू एफ इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की टर्म्स में भी अपन फाइंड कर सकते हैं इस पोटेंशियल एनर्जी को। देखो, लेट अपना क्रॉस सेक्शन एरिया तो कैपिटल ए है और लेंथ जो थी अपने ऑब्जेक्ट की इनिशियल वो कैपिटल एल थी। लेट इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए एंड लेंथ इज कैपिटल एल, देन पोटेंशियल एनर्जी यू अपनी हाफ एफ इंटू एल थी, है ना। अगर मैं इसमें ए एल से मल्टीप्लाई कर दूँ, ए एल से डिवाइड कर दूँ, ए एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये यू इक्वल टू देखो हाफ ये एफ अपॉन ए इधर आ गया इंटू एल अपॉन कैपिटल एल और इंटू में क्या हो जाएगा? ए इंटू एल। एफ अपॉन ए क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है। तो यू इक्वल टू क्या हो गया? हाफ इंटू स्ट्रेस
चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ क्या होता है, स्ट्रेन, और इनटू में ये क्या हो गया वॉल्यूम, दैट मीन्स एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो ये कैपिटल यू स्मॉल यू, स्मॉल यू इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, दिस इज द पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई। अच्छा, इसको यंग मॉडुलस की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ मैं, कैसे, अपन को पता है कि भाई एज यंग मॉडुलस वाई क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, दैट मीन्स स्ट्रेस क्या हो जाएगा, y into strain, ठीक है, दैट मीन्स प्लास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, हाफ into स्ट्रेस इज वॉट, y into strain होने की स्ट्रेन पहले से है, तो u इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी हाफ into यंग मॉडुलस into स्ट्रेन स्क्वायर, ठीक है, दिस विल बी आर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कब आई है, तब आपने बॉडी पर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया एफ, तब, ठीक है भाई। तो टॉपिक्स तो यही ख़त्म हो गए इस चैप्टर के, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, देखो देखो भाई, ये क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, देखें, देर आर थ्री रॉड्स, थ्री रॉड्स ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थ्री रॉड्स ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इक्वल टू 10^-7 मीटर स्क्वायर, ठीक है, आर अरेंज्ड एज शोन, वो अभी अपन डायग्राम देखेंगे कैसे अरेंज किया है अपन ने इनको, फाइंड आउट द शिफ्ट इन पॉइंट्स बी सी एंड डी, फाइंड आउट शिफ्ट इन पॉइंट्स बी सी एंड डी, वो डायग्राम अभी देखेंगे बी सी डी पॉइंट कहाँ पे हैं, उनके अंदर कितनी शिफ्टिंग हुई ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है, देखो डायग्राम क्या है अपना, ये तो अपनी फर्स्ट रॉड गिवन है, ठीक है, एक अपने इधर ही सेकेंड रॉड गिवन है, ठीक है, और इधर अपनी ये थर्ड रॉड गिवन है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर ये जो पॉइंट है तो सपोर्ट के साथ लगे हुए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ऐसा मुझे डायग्राम में गिवन है, इनकी जो लेंथ मुझे गिवन है 0.1 मीटर, ये 0.2 मीटर और ये 0.15 मीटर, ठीक है, ये इनकी लेंथ के वन है, यंग मॉड्यूलस इसका वाई ए बी, इसका बाई वी सी और इसका बाई सी डी,
कितने कितने गिवन है, वाई ये भी गिवन है 2.5 × 10^10, ये अपना गिवन है 4 × 10^10, और लास्ट वाला अपन को गिवन है 1 × 10^10, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो गई इनकी, सब कुछ मुझे ऐसा ही यूनिट में गिवन है, ठीक है, ये मुझे डायग्राम गिवन है। और नीचे बोल रहे हैं लोड सस्पेंडेड है कितना, 10 kg का, ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन मुझे, ठीक है भाई। अब क्या होगा कि देखो मेरे से जो शिफ्टिंग पूछ रहा है ना, वो शिफ्टिंग किस में पूछ रहा है, बी में, सी में और डी में, थ्री पॉइंट से मेरे से शिफ्टिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो शिफ्टिंग, अगर मैं बात करूँ बी की शिफ्टिंग, तो इसकी लेंथ चेंज होगी, इसकी लेंथ चेंज होगी तो भी शिफ्ट हो जाएगा नीचे। सी जब शिफ्ट होगा तो सी कैसे शिफ्ट होगा कि भाई ए बी की लेंथ भी चेंज होगी, बी सी की लेंथ भी चेंज होगी, तो सी के अंदर जो शिफ्टिंग होगी वो इसकी लेंथ में चेंज प्लस इसकी लेंथ में चेंज, और डी के अंदर जो शिफ्टिंग होगी वो 1, 2, 3 ऑल थ्री जो अपने रॉड्स हैं उनकी लेंथ में जो चेंज होगा वो सी में शिफ्ट होगी, ठीक है। तो टोटल मिला के मुझे चेंज इन लेंथ फाइंड करना है कितना हुआ, ठीक है। अब मुझे पता है भाई यंग मॉड्यूलस क्या होता है, वाई एफ अपॉन ए एंड डेल्टा एल अपॉन एल, ये फॉर्मूला बड़ा बनना है। एफ क्या हो जाएगा इधर, एम जी, एम जी, ठीक है, वेट सस्पेंडेड है, अपॉन में क्या हो जाएगा ए एंड डेल्टा एल, ठीक है। तो ये डेल्टा एल क्या हो जाएगा, एम जी एल अपॉन ए वाई, यही होगा ना। अच्छा क्रॉस सेक्शन एरिया तो तीनों का सेम है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया बोल रहा है मुझे क्वेश्चन में कि सेम है तीनों का, ठीक है, और वो दे भी रखा है मुझे। अब डेल्टा एल किस में फाइंड करूँ मैं, ए बी में फाइंड करते रहूँ, है ना। तो डेल्टा एल ए बी में चेंज होगा वो बी की शिफ्टिंग होगी, ठीक है, वो बी की शिफ्टिंग होगी, दैट विल बी द शिफ्टिंग इन बी डेल्टा एल बी, वॉट इज द चेंज इन लेंथ, वॉट एवर द चेंज इन लेंथ इन ए बी दैट विल बी द शिफ्टिंग ऑफ बी, कितना होगा भाई, एम जी एल अपॉन ए वाई, ये करना है मुझे, निकाल दो क्या हो जाएगा, एम जी 10 × 10, लेंथ कितनी थी उसकी 0.1 मीटर, अपॉन में क्या हो जाएगा एरिया 10^-7, और यंग मॉड्यूलस कितना है उसका 2.5 × 10^10, ठीक है। सॉल्व कर लें इसको, क्या आएगा, ये प्लस 10 माइनस, ये प्लस 3 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, इधर क्या बचेगा अपना इनटू 10^-7, 10^3 बचेगा, 2 कैंसिल आउट हो गया, 10 नीचे बच गया है ना, और ये इनटू में 10 आ जाएगा, तो ये डेल्टा एल बी 2.5 अपॉन ये 10, तो क्या आ जाएगा, ये 4 × 10^-3 आ जाएगा, मीन्स ये क्या आ जाएगा 4 mm, दैट मीन्स जो शिफ्टिंग हुई ना बी पॉइंट के अंदर वो कितनी शिफ्टिंग हुई, 4 mm की शिफ्टिंग हुई, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड वाले का अगर मैं फाइंड करूँ तो सेकेंड वाले का क्या होगा, कौन सा, सी वाले का शिफ्टिंग, तो सी वाले में कितनी शिफ्टिंग होगी, डेल्टा एल सी, एक तो जितनी शिफ्टिंग बी में हुई वो तो है ही, वो सी में ऐड हो जाएगी, और प्लस जो चेंज इन लेंथ हुआ किसके अंदर, बी सी के अंदर, वो भी इंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो डेल्टा एल सी विल बी वॉट, डेल्टा एल वी इज 4 × 10^-3, ठीक है, और प्लस डेल्टा एल वी फाइंड कर लो 10 × 10, एल कितना उसका 0.2, ठीक है, और अपॉन में ए इज 10^-7, और वाई कितना उसका 4 × 10^10, 4 × 10^10, ठीक है, वही माइनस प्लस 3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे 10 बचेगा, ठीक है भाई, और क्या बचेगा 5, डेल्टा एल सी क्या आ जाएगा 4 × 10^-3 और इंटू 5 × 10^-3 क्या आ जाएगा 9 × 10^-3, डेल्टा एल सी दैट इज 9 mm, दैट मीन्स जो सेकंड वाला पॉइंट है ना सी पॉइंट, वो कितना शिफ्ट हो जाएगा, वो 9 mm शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर मान लो थर्ड वाले का फाइंड करूँ,
थर्ड वाला डी पॉइंट, तो डेल्टा एल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा कि भाई डेल्टा एल सी तक जितना शिफ्टिंग हुई 9 mm और प्लस उसकी लेंथ में चेंज कितना है डेल्टा एल सी डी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा डेल्टा एल डी इक्वल टू वो 9 × 10⁻³ प्लस एम कितना है उसका 10, जी इज 10, ठीक है। एल कितना है उसका 0.15, वन ए इज 10⁻¹, और वाई यंग मटेरियल कितना है 1 × 10⁻¹, ठीक है भाई। तो डेल्टा एल डी क्या आ जाएगा 9 × 10⁻³ कैंसिल आउट, प्लस 3 बचेगा, ये आ जाएगा अपना 15 × 10⁻³। डेल्टा एल बी क्या आ जाएगा 24 × 10⁻³, दैट मीन्स सॉरी डी, डेल्टा एल डी कितना आ जाएगा 24 mm, दैट मीन्स जो अपना बी पॉइंट है वो शिफ्ट हुआ 4 mm, जो सी पॉइंट है वो शिफ्ट हुआ 9 mm, और जो डी पॉइंट है वो शिफ्ट हुआ कितना 24 mm, ठीक है भाई। आगे बात समझ में हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये बोल रहा है कि फाइंड द डेप्थ ऑफ लिंक, फाइंड द डेप्थ ऑफ लिंक एट विच density of water is 1% greater than that at surface, that at surface, that at surface गिवन कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता था रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस गिवन है मुझे, गिवन कंप्रेसिबिलिटी कितनी गिवन है मुझे कंप्रेसिबिलिटी के इक्वल टू 15 × 10⁻⁶ एटीएम इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगी। अच्छा मैंने आपको ये बताया था अभी डिस्कस अपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी किया था कि भाई प्रेशर और स्ट्रेस सेम ही यूनिट है, सेम डायमेंशन है दोनों का, ठीक है। प्रेशर एटीएम में भी मेजर होता है ना, पास्कल में भी मेजर होता है, स्ट्रेस ही मेजर हो जाएगा पास्कल में, ठीक है। एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁵ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फाइंड द डेप्थ ऑफ लेक एट विच डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1%। वो डेप्थ फाइंड करनी है लेक की जिसपे डेंसिटी कितनी रह जाएगी, डेप्थ ऑफ लेक एट विच डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1% कितनी है 1% है, ठीक है। उस जगह पे कंप्रेसिबिलिटी 1% ग्रेटर देन दैट इज सरफेस, सरफेस के कंपेरिजन में 1% है, ठीक है, ग्रेटर है 1% ग्रेटर। कंप्रेसिबिलिटी अपन को गिवन है कितनी 15 × 10⁻⁶ एटीएम इनवर्स, ठीक है। तो वो डेप्थ फाइंड करनी है जहाँ कितना हो जाएगा 1% ग्रेटर हो जाएगी डेंसिटी, ठीक है। देखो क्या होगा कि भाई मैं मान लो उस हाइट पे बल्क मॉड्यूलस की बात करूँ मैं, प्रेशर तो अप्लाई होगा ही वहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेस लगेगा। अच्छा वहाँ पे स्ट्रेस कौन लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है प्रेशर ही लगाएगा, है ना भाई। वाटर की डेंसिटी कितनी आ गई है 1% ग्रेटर आ गई है, 1% ग्रेटर आ गई है इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो वाटर है ना
वाटर जो है वहाँ जो भी वाटर के ड्रॉप्स हैं उन पे उससे ऊपर वाला वाटर क्या लगा रहा है, स्ट्रेस प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है उसका साइज छोटा हो रहा है, ठीक है, मास वही रह रहा है, मास इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास वही रह रहा है, डेंसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है कितनी 1%, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा होगा रिड्यूस हो रहा होगा, है ना, तो चेंज आ गया किसके अंदर आया वॉल्यूम के अंदर आ गया, तो कौन सा मॉड्यूलस यूज आएगा बल्क मॉड्यूलस यूज आएगा, ठीक है, क्या होता है बल्क मॉड्यूलस, अच्छा इसके ऊपर जो स्ट्रेस लगेगा किसके ऊपर ड्रॉप के ऊपर कितना होगा, वो ड्रॉप यहाँ है वाटर का लेवल यहाँ है, वाटर लेवल के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई होता है 180 atm, वाटर लेवल के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई होता है 180 atm, ठीक है, वाटर लेवल पे जो प्रेशर अप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं 180 atm बोलते हैं, 180 atm प्रेशर अप्लाई होगा, ये मान लो h डेप्थ पर है तो h डेप्थ पे प्रेशर कितना लगता है, क्या फॉर्मूला है प्रेशर का पढ़ाए 9th क्लास में, रो h g, ठीक है, दैट मीन्स इसके ऊपर टोटल प्रेशर कितना होगा 180 atm, तो होगा ही होगा जो सरफेस पे था, और प्लस कितना होगा एच रोजी, दैट मीन्स स्ट्रेस कितना लगेगा चेंज इन प्रेशर के इक्वल, ठीक है, कितना लगा इसके ऊपर एक्स्ट्रा भाई, इसके कंपैरिजन में तो फाइंड करना ना मुझे, तो इसके कंपैरिजन में कितना लगा एक्स्ट्रा प्रेशर एच रोजी, ठीक है, दिस विल बी द स्ट्रेस, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस में बात करूँ क्या फॉर्मूला था, देखो बल्क मॉड्यूलस बी वॉज डेल्टा पी, पी था, मैंने डेल्टा पी क्यों लिया है, चेंज आया है, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस का डेल्टा वी अपॉन वी, यही था ना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस किसके इक्वल हो गया चेंज इन प्रेशर के, चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी, ठीक है, क्यों लिया भी बताया ना मैंने, दैट मीन्स डेल्टा वी अपॉन वी क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा पी अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा, यही तो भाई डेल्टा वी अपॉन वी किसके इक्वल हो गया, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल हो गया माइनस डेल्टा पी अपॉन माइनस रह गया माइनस डेल्टा पी अपॉन बी के इक्वल रह गया, ठीक है, अच्छा कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, डेंसिटी चेंज हुई तो वॉल्यूम चेंज होगा, कॉन्स्टेंट क्या रहेगा मास, ठीक है, मास विल रिमेन कॉन्स्टेंट, विल रिमेन कॉन्स्टेंट, मास विल रिमेन कॉन्स्टेंट, सो एम क्या हो गया कॉन्स्टेंट, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, है ना, ठीक है, अब मुझे बताइए कि भाई डेल्टा वी अपॉन वी चेंज इन वॉल्यूम विद इनिशियल वॉल्यूम, है ना, इनका रेशियो किसके इक्वल है डेल्टा वी अपॉन वी बल्क मॉड्यूलस के, 1/b क्या हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी का रिलेशन मुझे वॉल्यूम के साथ तो पता है, है ना, लेकिन मुझे कंप्रेसिबिलिटी से क्या फाइंड करना है चेंज इन डेंसिटी के थ्रू हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, तो चेंज इन डेंसिटी के साथ और रिलेशन फाइंड कर लूँ, अब देखो डेंसिटी भी चेंज हुई और वॉल्यूम भी चेंज हुआ है ना, डिफरेंशिएट कर दूँ इसको तो u इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या हो जाएगा भाई ये u इंटू वी है, u इंटू वी की फॉर्म को कैसे करते हैं, dv अपॉन dt इंटू वी प्लस dv अपॉन dt इंटू यू, तो दिस विल बी d रो इंटू वी, प्लस में क्या हो जाएगा रो इंटू dv, और कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, दैट मीन्स दिस विल बी वॉट, दिस विल बी वी डी रो इक्वल टू माइनस का रो डी वी, ये हो जाएगा, दैट मीन्स अच्छा डी या डेल्टा की फॉर्म में कैसे मिलते हो इसको एक ही बात है ना, तो दिस इज वॉट डी रो अपॉन रो इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का डी वी अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है, माइनस का डी वी अपॉन वी क्या है, देखो माइनस का डी वी अपॉन वी क्या है डेल पी अपॉन बी, डी रो अपॉन रो किसके इक्वल हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, डेल्टा रो कितना होता है सॉरी डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर कितना है एच रो जी अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन
या डी पी अपॉन सॉरी डी रो अपॉन रो, ये हो जाएगा ठीक है। अब डी रो अपॉन रो कितना चेंज आया है भाई डेंसिटी में, 1% इनिशियल डेंसिटी 100 मान लूँ तो उसके कंपैरिजन में कितना चेंज आया है 1, दैट मीन्स एच रो जी अपॉन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 100, 1% चेंज आया है ना ठीक है। 1% का मतलब यही हो गया, क्या फाइंड करना है मेरे को एच, नहीं कर सकता क्या फाइंड, कर सकता हूँ ना, क्या आ जाएगा एच इक्वल टू 1/100, एच तो फाइंड करना है ठीक है। अच्छा ये बर्फ ऑन बीच कंप्रेसिबिलिटी एच रो जी एंड कंप्रेसिबिलिटी के 1/B इक्वल टू क्या आ गया 1/100 तो आ गया, क्या फाइंड करना है मुझे एच रो इंटू जी इंटू के, यही तो हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो पास्कल में और चेंज कर दो इसको 10^5 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एटीएम से, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 10^5/100 डेंसिटी वाटर की 1000, जी की वैल्यू 10, कंप्रेसिबिलिटी कितनी है 15×10^-6, कर सकते हैं क्या इसको सॉल्व कर लेंगे इसको, आ जाएगा आंसर आपके पास ठीक है भाई। तो यहाँ से इजीली आप आंसर इसका कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है, सॉल्व कर लो इसको चाहो तो 10^5 हो गया एच इक्वल टू -6 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +6, 1, 2 ये 5 ये 5 ठीक है, इधर ये 1 और ये 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी 10^4 10,000/5 क्या आ जाएगा भाई 2000 मीटर, तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर, दैट मीन्स 2 किलोमीटर डेप्थ पे जो वाटर की जो डेंसिटी है ना वो कितनी ग्रेटर हो जाएगी, वो 1% ग्रेटर हो जाएगी भाई, क्या बात समझ में ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, आपके लिए आप लोग कर लेंगे उसको ठीक है, लिख लो ये क्वेश्चन देखो। देखो भाई एक अपन ने बल्क मॉड्यूलस का क्वेश्चन देख लिया, एक यंग का देख लिया ठीक है, एक मॉड्यूलस और रिजिडिटी का क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ ठीक है, आप उसको सॉल्व करके देखना, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे फिर अपन सॉल्व करके। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है रबर क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, रबर की वॉफ साइड 5 सेंटीमीटर हैज वन साइड फिक्स्ड while a tangential force equal to 1800 newton, is applied to opposite face, ठीक है, find the shearing strain find the shearing strain and the lateral displacement and the lateral displacement of the strained face of the strained face मॉड्यूलस रिजिडिटी आपको गिवन है रबर का नीटा इक्वल टू 2.4×10^6
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, रबर का क्यूब है, साइड 5 सेंटीमीटर है, वन साइड फिक्स है, टेंजेंशियल फोर्स लगाया कितना 1800 न्यूटन। ओपोजिट फेस पे एक तो शेयरिंग स्ट्रेन फाइन करना और लेटरल डिस्प्लेसमेंट फाइन करना, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना न्यू चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।